नमस्ते। इस नए कार्यक्रम में जो एक हम टॉकथॉन कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और एक अपने तरह का नया प्रयोग है, अगले 24 घंटे जो हम लोगों को लगता है कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, उस लिहाज से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ गेस्ट ला रहे हैं, हर घंटे में अलग अलग स्पेशलिस्ट रहेंगे और अगले 24 घंटे तक हम इस बात पे बातचीत करते रहेंगे। मैं एक बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे साथ सुधांशु जुड़े हैं जो पब्लिक इंडिया के पार्ट एंड पार्सल हैं। संदीप जी अभी आ रहे हैं और इस उसमें तीन गेस्ट आप लोग हैं। सबसे सीनियर डॉक्टर सुहास, प्रफुल्ल दा और फिर कनन। लेकिन आज हम लोग इसका सीक्वेंसिंग ये करेंगे कि हम लोग कनन, क्योंकि कनन की उम्र और मेरे बेटे की उम्र करीब करीब बराबर है और इसमें से ज्यादातर लोगों की यही हाल होगा, तो वी विल स्टार्ट विद द यंगेस्ट। और उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि जैसे कभी कभी लगता है ना कि अरे ये तो इतने ही लोग हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब आप बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि कुछ नहीं। तो हो क्या रहा है कि स्टैटिस्टिक्स वाले बहुत मजे में अपने लिहाज से कभी एब्सोल्यूट नंबर बोलेंगे, कभी परसेंटेज बोलेंगे, व्हाटएवर सूट्स इट। तो दुनिया में जब मैं ये आपसे बातचीत कर रहा हूं तो 16 करोड़ 25 लाख अबाउट 162 मिलियन पीपल टिल नाउ हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड, 33.71 लाख व्हिच इज अबाउट 3.3 मिलियन। इस समय जब आपसे बातचीत हो रही है 1.76 करोड़, टोटल 17.6 मिलियन पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर एक्टिवली इन्फेक्टेड। इंडिया में यह फिगर 2.43 करोड़ से अभी तक जो टोटल इन्फेक्टेड हुए हैं, कल हमारे यहां 3.26 लाख था। 3.26 लाख इज ऑल्सो वेरी बिग फिगर, लेकिन जरा हम लोग सेलिब्रेट और ये हो रहा है कि नहीं, अब पकड़ में आ गया, नाउ वी हैव अंडर कंट्रोल, अब इसका हमने कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारे यहाँ डेथ हुई है 3879, नाउ 3879 इज ऑल्सो ऑन अ वेरी हाई साइड, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 4000 से कम है। तो आप कंपेयर करिएगा तो 4000 से कम है, लेकिन आज से 2-3 महीना पहले जब 2500 में लोग मर रहे थे उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक्टिव केसेस इस समय 36.73 लाख हैं और हम उस 36.73 लाख को सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इस कार्यक्रम को करने का एक बड़ा कारण यह था क्योंकि मैं उस सेंस को कर लूं कि जब हम लोगों को यह लगा कि देखिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ के अभी दवा है, बेड्स हैं, तो हम भी समझते हैं ओवरनाइट नहीं हो सकता है। पुरानी सरकार परसेंटेज में डिफर, किसी का की जिम्मेदारी ज्यादा हो, किसी की जिम्मेदारी कम हो, लेकिन आज जो भी उस जगह बैठा है प्रश्न तो उससे किए जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, तो देश तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो पिछले वाले नहीं किया, अच्छा ये 1-2 महीने की बात होती तो समझ में आता, अब 7 साल से एक सरकार में है और ये अपने को भी समझ में आता है कि जब तक पूरे सरकार की, हमारी आपकी ये प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक शायद हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे सब लोगों की प्रायोरिटी बननी चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी बननी चाहिए और कुछ हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। अभी क्या है कि बेड और ऑक्सीजन और ये सब तो इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन वैक्सीनेशन इज समथिंग जिसको अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो शायद आने वाले समय में वी आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम, हम उसको एक बड़ी समस्या के रूप में देखने जा रहे हैं दुनिया में। क्योंकि अब कल भी आपको आ गया, आपने कल के पेपर पढ़े कि जिसमें कहा गया है कि दिसंबर तक इंडिया में, डॉक्टर पॉल का स्टेटमेंट है जो टास्क फोर्स के हेड हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं, कि दिसंबर तक ये सब लोग कह रहे हैं कि हम सब पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं करंट फिगर आपको बता दूं, पूरी दुनिया में इस समय 140 करोड़ 1400 मिलियन पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, मतलब वन डोज और डबल डोज, फुल्ली वैक्सीनेटेड 34 करोड़। हम करोड़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया में हम लोग करोड़ और मिलियन कम समझते हैं, करोड़ ज्यादा समझते हैं। 340 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, कहीं पे दो डोज है, कहीं पे सिंगल ही डोज है, जैसे जॉनसन वाली सिंगल डोज है। एंड वर्ल्ड एवरेज जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 4.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। इसके कंपेरिजन में
इंडिया की जब बात आ रही, क्योंकि डॉक्टर पॉल ने कल ये भी एक कहा कि स्टेटमेंट दिया कि वी आर द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने 17 करोड़ की फिगर को क्रॉस किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कल एक शो भी किया था, दुनिया के साथ ही देश हैं जिनकी आबादी 17 करोड़ से ज्यादा है। देयर आर ओनली 77 कंट्रीज व्हिच हैव मोर देन 17 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब बात इधर उधर घुमाने वाली है। और इंडिया में अभी तक फुल्ली वैक्सीनेटेड, क्योंकि यहां तो डबल डोज वाला ही है, हमारे पास सिंगल डोज नहीं, वो 3.93 करोड़, 39 मिलियन, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली 2.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड, दुनिया के एवरेज 4.4% के अगेंस्ट। मैं सबसे पहले अपने पहले गेस्ट कनन गोपीनाथ साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। और कनन का जब आप, मैं एक चीज देखता हूं, इनका बायोडाटा देखता हूं, तो एक पुरानी पिक्चर आती थी मनोज कुमार की जिसमें वो भारत बनते थे और वो भारत के सारे उसको दिखाते थे। तो कम से कम ये जहां जहां रहे हैं, ये कितने भारत हैं और भारतीय हैं ये तो दुनिया जज करेगी, मैं इनको मानता हूं भारत का। ये पैदा हुए और इनकी इनिशियल पढ़ाई लिखाई कोट्टायम, केरला, पलक्कम, मतलब ये केरल के रहे, बिल्कुल सुदूर दक्षिण। फिर ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ये सब करने आ गए रांची, झारखंड, मैं भी रहा हूं झारखंड में, मतलब अपने में अद्भुत, बहुत सुंदर जगह, खनिज से भरपूर। फिर इनकी जो पोस्टिंग हुई वो और नॉर्थ ईस्ट मिजोरम, मतलब उससे किनारे, और हिंदुस्तान से अगर आप मिजोरम से आगे जाइए तो या तो बांग्लादेश में गिर जाइए या म्यांमार में चले जाइए, तो एक उस छोर पे चले गए। फिर ये आ गए, और नहीं उससे पहले मैं कहना भूल गया, मिजोरम से पहले ये नोएडा में नौकरी किए, तो नोएडा क्या जो दिल्ली की हवा है, दिल्ली का जो पावर स्ट्रगल है वो समझते हैं। मिजोरम से ये चले गए बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट, मतलब अरे बिल्कुल वेस्ट, पूरे पश्चिमी उसमें दादर नगर हवेली। तो मैं समवन जिसने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हिंदुस्तान के, उसको तो प्रेजेंट भरत कुमार के लिए क्वालिफाई करते हैं हर तरह से। इन्होंने 2019 में जो इस्तीफा दिया, केरल में रहने वाला व्यक्ति जिसने, जिसके यहां जिसने पहाड़ और उस तरह का स्नो देखा ही नहीं है बर्फ, उसने जम्मू कश्मीर वाले इशू पे, अभी उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक अलग इशू हो जाता है, इस्तीफा दे दिया। तो भाई इससे ज्यादा भारतीयता क्या हो सकती है। और इनको एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि उसका उसका इस प्रेजेंट कोरोना से क्यों संपर्क है, ये इनका रेजिग्नेशन अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इनको अप्रैल 2020 में सरकार ने कहा कि आप रिपोर्ट बैक टू योर ड्यूटी, और जब ये रिपोर्ट बैक नहीं किए, इन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं वॉलंटरली, अगर आप कहीं मुझे चाहते हैं यू कैन यूज मी वेर एवर यू वॉन्ट, तब इनके ऊपर केवल 3-4 FIR हुई है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और IPC की धाराओं के अगेंस्ट इनके तरह तरह के इनके ऊपर FIR हो गए हैं। कनन, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि पहली चीज यही है कि वैक्सीन के इश्यू पर क्या कहेंगे, क्योंकि विथ रेफरेंस टू प्रोक्योरमेंट, विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन, विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, आप इनिशियल अपनी बात कह लें, उसके बाद मेरे कुछ एक दो प्रश्न है मैं आपसे करूंगा, और आप आराम से कहें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, आप यंगस्टर हैं हम सब लोगों में, आपका उस युवा से ज्यादा कनेक्ट है, बनस्पत कम से कम मेरे, मुझसे ज्यादा आपका कनेक्ट है। कनन प्लीज। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका उस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए, और मेरा आवाज सही आ रहा है, क्लियर है? ओके, सो वैक्सीनेशन के बारे में तो कई, स्पेशली इंडिया के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में क्या क्या खामियां रही है और कितना इनएडिक्वेट रही है काफी क्लियर है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में बताना चाहूंगा तो ये क्लियर हो गया था हमें काफी पहले से ही कि ये वायरस का, अगर हम वायरस से हमें बचना है और एपिडेमिक से बचना है तो वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम बच सकते हैं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी वगैरह का भी, जैसे कहीं किसी स्वीडन ने किया था, ट्राई किया था, वहां भी देखे तो जितना ज्यादा फैटलिटी हुआ उसके बाद वो भी चेंज हो गए, उन्होंने भी इनिशियली लॉकडाउन पे गए, और लॉकडाउन बेसिकली इस बात के लिए था कि जनता से कुछ टाइम सरकार या फिर वहां की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी या फार्मा कंपनीज, उन्होंने कुछ दिन जनता से उधार लिए, बोले कि आप लोग थोड़ा टाइम के लिए जो भी परेशानी है वो झेल लीजिए, क्योंकि आपको बचाव करने के लिए हमें कुछ
कुछ चीजें डेवलप करने की जरूरत है। उसमें से कई सारी चीजें आ गई, वो एक तो था वैक्सीन, दूसरा था जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरा था क्या है जो प्रोटोकॉल, मतलब प्रोग्नोसिस, क्या मेडिसिन होना चाहिए, क्या सही मेडिसिन यूज करना चाहिए। सो बेसिकली ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो प्रिवेंशन वैक्सीनेशन का जो है। तो ये एक तरीके से तो आप देखे होंगे, उसके बाद जैसे उसके बाद चाहे वो यूरोप में हो चाहे यूएस में हो, जैसे ओपन अप किया तो दोबारा सेकेंड वेव आया एंड देन अगेन ये सारे देश दोबारा उसमें लॉकडाउन में गए एंड वैक्सीनेशन का एकदम ड्राइव शुरू कर दिया। एंड ये जितने भी सारे देश थे उन्होंने एक तरीके से देखोगे तो सेल्फिश तरीके से वैक्सीनेशन को लिया और बताया कि सबसे पहला हमारा जो काम है वो अपने जनता को वैक्सीन देना है, वो कहीं से भी हमें मिले किसी भी जगह से हम उसको प्रोक्योर करेंगे। और बल्कि कुछ देशों ने तो होड भी किया है कि ये सोच के कि अगर हमारे जनता को कम नहीं पड़ना चाहिए तो हमारे पास ही रहे और उसके बाद हम इसको देंगे। और ये भी सोचने की जरूरत है कि इंडिया को इफेक्टिवली वैक्सीनेशन का टॉप कंट्रीज में माना जाता है। इनफैक्ट SII जो है इट इज द लीडिंग द लार्जेस्ट वैक्सीन डेवलपर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, दुनिया में। और आज की बात नहीं है, काफी टाइम से है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के मामले में या फिर वैक्सीनेशन के मामले में, दोनों में हम काफी आगे रहते थे और उसका कैपिटल भी माना जाता है इंडिया। पर उसमें हमारा कुछ इश्यूज भी है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं प्रोडक्ट्स बेसिस बात करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ इस बात को, हम ये बोलते हैं कि हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इसको ये नहीं कहते कि एक्चुअली इसका सप्लाई चेन डिपेंडेंसी कितना है। मतलब वैक्सीन बनाना है या फिर ड्रग्स बनाना है तो उसके पीछे हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, उस पर हम या फिर चाइना पे निर्भर रहे या फिर हम US में निर्भर है। तो ये जो डिपेंडेंसी है सप्लाई चेन में, ये हमारे लिए भी एक्चुअली पॉलिसी लेवल पे भी सोचने की जरूरत है। प्रोडक्ट बेस्ड हम जब कुछ क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टील बनाते हैं या सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाते हैं या ड्रग्स बनाते हैं, तो उसके पीछे के जो रिक्वायरमेंट्स है, सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स है, वो भी क्या हम मीट कर पाते हैं या फिर उस पर हम किसी और पे डिपेंडेंट है। जैसे हम अभी देख वैक्सीनेशन के केस में तुरंत हम डिपेंडेंट हो गए US के केस में किसी जो SAI का नोवैक्स वैक्सीन है उस पे, उसको लेकर, या फिर चाइना से कई सारे ड्रग्स की API का रिक्वायरमेंट आ गए, ये डिपेंडेंसी रहा है। तो ये जो सप्लाई चेन का भी लिंकेज और उसका जो बॉटलनेक्स है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर अपना जो छाती पीट के बोलते हैं कि हम इतना वैक्सीन क्रिएट करते हैं, हम उतना क्रिएट करते हैं जो बोलते हैं, बेसिकली वो 100% करेक्ट नहीं है। वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड बाकी सारे देश अपना अपना काम उतना ही उससे स्केल कर पाए और हमें दे पाए। एंड जैसे कंट्रीज आर ऑल सेल्फिश, देयर इज डेफिनेटली अ रीजन। जैसे फैमिली में अगर खाना है, मतलब हम अपने परिवार को पहले खाना देने से वो करेंगे और सोचेंगे थोड़ा सा रखना चाहिए अगर कल भी जरूरत पड़े तो, उसके बाद हम है तो वी ट्राई टू गिव टू अदर्स सॉर्ट ऑफ। तो कंट्रीज भी बहुत क्राइसिस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करते हैं। इंडिया बिल्कुल ही उल्टा डायरेक्शन में गए। इंडिया ने वैक्सीन को कहीं ना कहीं एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बना दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तौर पे लिया कि वैक्सीन हम क्योंकि बना सकते हैं, हम यहाँ यहाँ हर देश में जाके देंगे और चाइना के साथ भी एक डिप्लोमेटिक कंपटीशन में जाने का कोशिश किया। तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म थॉट था, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म थॉट। कोई भी चीज अगर इनहेरेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इमेज बनाना एक उसका फायदा हो सकता है। जब आप इनहेरेंटली वीक अपने आप को करके इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो खोखलापन दिखता है। तो अभी जैसे आज का हालत में जस्ट लास्ट वीक की बात है, साउथ एशिया के 5 देशों ने इंडिया के अलावा चाइना के साथ मीटिंग किया कि कोविड को कैसे वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कोविड के साथ कैसे कोविड का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इंडिया के ही जो आसपास के साउथ एशिया के 5 देश, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब था उसमें, और उन्होंने चाइना के साथ मीटिंग कर रहे कि कोविड का रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए। देखिए कहां थे हम, सोच रहे थे हम होंडुरास को सप्लाई करेंगे और अभी हमारा ये आ गया कि हमारे आसपास के देश भी। तो दिस यूसेज ऑफ वैक्सीनेशन एज ए इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज कि हम को वैक्सीन डिप्लोमेसी करेंगे, वो मैं समझता हूँ सबसे पहले पहला जो थीज था वो गलत था। वो क्यों किया हमने, क्योंकि हमने जो रिस्क है ये डिसीज को लेकर, जो एपिडेमिक या पैंडेमिक हमारे देश के जनता को कितना रिस्कफुल है या कितना सीरियस है, उसको बहुत अंडरमाइन किया बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि ऑनेस्ट मिस्टेक था, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई
इंटेंशनल था, ये मेरा मानना है कि वो मिस्टेकनली दे टुक इट वेरी वेरी लाइटली। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे इलेक्शंस हुए, ये सब एक साथ देखना चाहिए, इलेक्शंस हुए, कुंभ मेला हुआ, ये जितने भी चीजें हुए, और उसके बाद वैक्सीन का जो प्रोक्योरमेंट था, जब SAI कह रहे थे कि हमारे पास एक महीने में 60-60 मिलियन हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जनवरी फरवरी उसकी बात है, जनवरी फरवरी मार्च दौरान में, तब हमने सिर्फ उनको 10-10 मिलियन का ऑर्डर दिया। जब वो कह रहे हैं कि हम 60 मिलियन बना सकते हैं, तब हमने उसको 10 मिलियन का ऑर्डर दिया, वो भी पीस मील ऑर्डर दिया, 10 मिलियन 11 मिलियन टाइप ऑर्डर दिया, क्योंकि क्या हमें लग ही नहीं रहा था कि हमें अपने जनता को पूरा वैक्सीनेट करना है, हमें लग रहा था कि नहीं, हम तो, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा बाकी सारे देशों में तो लोग मर रहे थे, यहाँ पे तो कोई मर ही नहीं रहा, यहाँ पे किसी को दिक्कत ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैंडेमिक हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। एंड फॉर सम रीजन जो जो लास्ट ईयर का वेव था, फर्स्ट वेव था, वो उतना सीरियस इंपैक्ट नहीं आया, बट उसको लेकर सेकंड वेव नहीं आएगा, ये तो दिस इज नॉन थ्रू आउट हिस्ट्री दैट पैंडेमिक्स कम इन वेव्स। पहले वेव आएगा, उसके बाद दूसरी आएगा, अगर उस हिस्ट्री से नहीं सीखना था तो बगल वाले से सीख लेते, क्योंकि यूरोप में सेकेंड वेव आ रहा था। अब अपने ही हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे या बगल वाले से भी नहीं सीखेंगे, अगर उनका सेकंड वेव से भी नहीं सीखेंगे, तो फिर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहां से लेकर ये जो अपने जो डिजीज को इतना ज्यादा अंडरप्ले करने के बाद जो और कॉन्फिडेंस आया, वैक्सीन हम बाहर दे सकते हैं, इंडिया में जरूरत नहीं पड़ेगी, या जितना प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं उतना प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है, उसका 1/6 करने से हो जाएगा, मार्च में एंड में जाके हमने एक्चुअली सब्सटेंशियल डोजेस का वैक्सीन का वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो तो प्रोक्योरमेंट का बात थी, वहां भी हमने फिर एक वो प्राइड वाली बात की कि हम अपनी ही वैक्सीन पे ही निर्भर रहेंगे, वो जो आत्मनिर्भर वाला जो पार्ट आया कि और कोई वैक्सीन की हमें जरूरत नहीं है, तो वी इनिशियली सेड कि पीफाइजर हो, बाकी जो भी बाहर से आता है स्पुटनिक हो, उसको हमने बोला कि उसकी जरूरत नहीं है। फिर केस बढ़ने लग गया बहुत ज्यादा, सरकार को भी समझ में आया कि लोग मर रहे हैं। इस दौरान पूरा एक साल हमने ना वैक्सीन प्रोक्योर किया, ना हमने जिस लेवल का हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ाना चाहिए था वो नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट था मेडिसिन का या सिलेंडर्स का, चाहे बेड का, वेंटिलेटर्स का, वो नहीं किया। एक साल एक देश के लिए बहुत लंबी टाइम होता है, और अगर डिसाइड कर लेते हैं कि वेंटिलेटर बनाना है तो वेंटिलेटर एक साल में बहुत बन सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत बन सकता है। मतलब इंडिया इज अ बिग कंट्री, बहुत एक रियली स्ट्रांग कंट्री है, पर हमें ये चीज विजन चाहिए कि हाँ ये बना के रखना चाहिए। और एनीवे हॉस्पिटल बेड बढ़ाना या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का या फिर वेंटिलेटर्स बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए सेकंड वेव इतना सीरियस नहीं आते तो भी क्या होता, हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाता, उससे किसी का नुकसान थोड़ा है। बट हमने वो सोचा कि नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये अब एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के बिना आज जो लोग, आज ये इश्यू है तो आज इसके पीछे भागो, उसके बाद अगर कल मान लो अभी यूपी इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो तुरंत बोलेंगे कि ठीक है फिर यूपी इलेक्शन के पीछे भागेंगे, तो ये फिर साइड में हो जाता है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटल जो थॉट का कैपेसिटी भी होता है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो जानबूझ के करते हैं। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इतना जो करंट लीडरशिप है वो इतना मेंटल कैपेसिटी भी मुझे नहीं लगता कि है कि एक एक to keep these things for a longer time and work towards it. Vaccine का मैं एक बहुत और भी बहुत सारे चीजें हैं वैक्सीन की। पहली बात तो वैक्सीन एक पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड इन द सेंस जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं या फिर टीवी खरीदते हैं तो उसको हम प्राइवेट गुड बोलते हैं, ठीक है, आपका जो आपने टीवी खरीदा तो आपको अच्छा है, या आपने कार खरीदा तो आपके लिए अच्छा है, किसी और के लिए नुकसान नहीं है। पर अगर मान लीजिए आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसका धुआं से बगल वाले को भी इन्फेक्शन हो सकता है, बगल वाले को भी उसमें हो सकता है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है वहां पे तो स्मोकिंग का। तो सिमिलरली वैक्सीनेशन का एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो उससे सिर्फ आपका नहीं फायदा है, क्योंकि आप एक कैरियर भी नहीं होगा, उसके कारण चार लोगों को और फायदा होता है। तो ये पब्लिक गुड जो है, और मान लीजिए मैं नहीं लेता हूं, वैक्सीन नहीं लेता हूं, तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। आपने शायद मान ली वैक्सीनेशन कर लिया और मैंने नहीं किया, तो दिक्कत कहाँ आएगी, मुझे वायरस होगा, मान लीजिए कुछ नया स्ट्रेन डेवलप होगा, वो नया स्ट्रेन के कारण क्या होगा, वापस दोबारा आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिन्होंने वैक्सीनेट किया उनको भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन अलग अलग है। अभी कल का ही ICMR का डेटा है, जो कोविशील्ड को वैक्सीन है उसका 50% इफेक्टिवनेस ही है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू स्ट्रेन दैट इज फाउंड इन इंडिया में जो स्ट्रेन मिला है उसका इफेक्टिवनेस कम है करके। सो
वैक्सीनेशन इज अ पब्लिक गुड, ये यहां से शुरू करना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन पब्लिक गुड है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी सभी का हो जाए, वो तुरंत नेचुरली आ जाता है। यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स या नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स है उसी प्रिंसिपल के अंदर ही कह रहा हूँ ये, इसको क्या बोलते हैं सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट या इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। इवन अ वेरी सिंपल फ्री मार्केट इकोनॉमी सेज कि अगर पब्लिक गुड है तो वो इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात जो है, हमने एक पब्लिक गुड को दो ही कंपनी के बीच में कर दिया, इफेक्टिवली एक ही कंपनी है जो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो एक मोनोपोली भी हो जाता है। मोनोपोली भी एक मार्केट फेलियर है। अगर मार्केट फेलियर है तब फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स ही ये कहता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। तो दोनों केस में, एक पब्लिक गुड है और एक मोनोपोली है, दोनों केसेस में सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और यहां पे ना करके ये बोलना कि नहीं हम इतना करेंगे बाकी स्टेट करे और उसके बाद जो है बाकी प्राइवेट लोगों को जो करना है वो करे, ये अगेन द पॉलिसी इटसेल्फ इज कंप्लीटली रॉन्ग। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोक्योर एज मच एज पॉसिबल। एंड हमारा कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज तक ऐसे नहीं हुआ है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप प्रोक्योर करके कर रहा है, ऐसा नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमेशा, चाहे हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट हो, पर वैक्सीनेशन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करके स्टेट्स को देते थे, ऐसे ही था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सेइंग स्टेट्स हैव टू कॉम्पीट, प्राइवेट, इट इज अ प्राइवेट थिंग। And this is again create a lot of issues. Even the current plan इन्होंने जो बनाया है कि दिसंबर तक सभी का वैक्सीनेशन हो सकता है, उसमें से जो जो कम से कम पांच जो है अभी तक फेज थ्री ट्रायल या फेज वन टू ट्रायल भी नहीं हुआ है, उस वैक्सीन का नाम लेके हम कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक जो है 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। I'm sorry, I think I took a lot more time, जितना मेरे लिए allotted था। नहीं कनन, I mean, please go ahead, आपसे थोड़ा ज्यादा भी सुनना चाहते हैं। मैं एक बीच में ऐड कर दूं, एक हमारे दर्शक हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक बेसिक चीज पूछी है कि अभी टेंडर, मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि अभी जो टेंडर हो रहे हैं उसमें क्या सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से टेंडर मांगा गया है। ओम प्रकाश जी और आप दर्शक भी समझ लें, जो ये तो सरकार ने रेट फिक्स कर दिया, वहां टेंडर की जरूरत नहीं है। अगर देश के अंदर आप सीरम इंस्टीट्यूट से या भारत बायोटेक से कुछ खरीद रहे हैं तो ये सरकार ने कर दिए हैं। एक बहुत ही, आप लोगों को मैं इसलिए आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, कल दैनिक जागरण की खबर है, उत्तर प्रदेश के जो एक बड़े ताकतवर हमारे IAS अफसर हैं नवनीत सहगल साहब, उनके हवाले से खबर है और मैं उसको शेयर आपसे कर रहा हूं। अब हम लोग ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, सेंट्रल केंद्र सरकार ने कहा है कि गो फॉर ग्लोबल टेंडर, और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर ऑलरेडी कर दिया है। यूपी सरकार ने 7 मई को शायद हुआ है, 21 मई को उसकी क्लोजिंग है और उसका प्री बिड जो होता था, ये आप देखिए 4 करोड़ वैक्सीन और लिखा है उसमें 8,000 करोड़ का दाम, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वैक्सीन की 4 करोड़ डोज है, डोज खरीदने पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है, केवल खरीदने पे 2,000 रुपए की एक वैक्सीन का एस्टिमेटेड प्राइस ये कह रहे हैं जो ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं। तो अभी मैं उसको, क्योंकि फिर अपनी बात मेन मुद्दे से हट जाएगी, वो जो एक अब उसको मैं क्या नाम दूं, मतलब 150 रुपए की अगर हिंदुस्तान में भारत सरकार को मिल रही है, 300 की गवर्नमेंट को मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हम 2,000 रुपए में 8,000 करोड़ रुपए यहाँ खरीदने जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं 8,000 करोड़ का दांव लगाने जा रहे हैं। खैर करण, एक चीज मैं जल्दी से आपसे और समझना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, आपने बहुत से डेवलपमेंट उसको काम को देखा है। एक चीज, जैसे दो चीजें मॉडल होते हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान होता है, सबसे आप लेते हैं देन फिर उसको आप स्टेट को भेजते हैं फिर स्टेट, और एक होता है टॉप टू बॉटम। जैसे मनरेगा आया था, केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि भाई ये हर एक का, और फिर आपने उसको टॉप से वो नीचे आ गया। इस वाले केस में, वैक्सीनेशन के केस में कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मतलब आई डोंट नो, आई मीन आई जस्ट वांट टू एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर योर एक्सपीरियंस, ये कौन सा मॉडल हम लोग लेके चलना है प्लीज। नहीं, आई डोंट, दिस इज, अगर हमें फिट करना ही है तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मॉडल है या जहां पे सिटीजन के साथ इंटरेक्शन आएगा इस पे, वो टॉप टू बॉटम है। आपने कोविन करके एक एप्लीकेशन बनाया और उसी के थ्रू हो सकता है। मैं उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा क्योंकि ये प्रिविलेज्ड वैक्सीन डिलीवरी हो गया, जिनके पास इंटरनेट है, एक्सेसिबिलिटी है और रजिस्टर कर सकते हैं। जहां तक आए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रोक्योर करने की,
तब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे प्रोक्योर करे जो भी रेट को आपको आपको करना है. तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप अपने हिसाब से कर लो ये, क्योंकि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या है, मतलब आगे का चार स्टेप सोच के नहीं कर रहे हैं. आज कोविन बनाना है, वैक्सीनेशन करना है तो क्या करें. तो इस सरकार में नॉर्मली मैंने ये देखा है कि सबसे पहले रिस्पॉन्स है कि एक ऐप बना लेते हैं. सो दैट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स. मैं इसको बहुत लेजी ब्यूरोक्रेटिक इनोवेशन कहता हूँ कि बहुत ही आसान सी बात है कि ऐप बना लो, ठीक है. तो सबसे पहले ऐप बन गया, वैक्सीन है नहीं, ऐप है, वैक्सीन के बारे में आगे सोच रहे हैं. तो फिर वैक्सीन नहीं है, ऐप बन गया तो ऐप फिर हम यूज करेंगे, वैक्सीन लोग ले आए अपना. जैसे अस्पताल में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और वो लेके आना पड़ा, दवाई भी खुद लेके आना पड़ा, वैसे आज वैक्सीन तो सरकार बोल ही रहे कि खुद ही ले लो, जहां से लेना है ले लो. यहाँ पे भी और भी कई सारे, क्योंकि करंट शॉर्टेज जितना है, मैं समझता हूँ अगर मुझे, मतलब आई वॉज ए कलेक्टर समवेयर, डीएम रहता, तो मैं दो चीज पे, जो शॉर्टेज के हिसाब से दो चीज पे मैं फोकस करता, वो है वैक्सीनेशन ऑफ वल्नरेबल्स एंड वेक्टर्स. वेक्टर जैसे मान लीजिए रेडी वाला है, वो कम से कम एक दिन में, वो तो चल ही रहा है क्योंकि हमने वैसा वाला लॉकडाउन पे नहीं गए, तो चल ही रहा है, कम से कम 100-200 लोगों से, अलग अलग लोगों से वो मिलते हैं मिनिमम, और उनका वैक्सीनेशन, आप और मैं घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो मैं अगर वैक्सीन होता है तो भी उसका जो स्प्रेड होने का चांस है वो डिफरेंट है. जिसको आप सुपर स्प्रेडर है वो गलत वो भी टर्म यूज करना है, या पुलिस है, या बैंक एम्प्लॉइज है, या सरकार के अन्य जो एम्प्लॉइज है, या सिक्योरिटी गार्ड्स है, ऐसे कई सारे हैं जो कि डेली कम से कम 100-200 लोगों से मिलते हैं. तो द चांसेस ऑफ देम स्प्रेडिंग दिस वायरस इज वेरी 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 हाई. एक तरीके से देख सकते हैं जो रजिस्टर करके अपने आप को बचा ले, बट दूसरा है कि वल्नरेबल, जो कि जो एज वाइज वल्नरेबल है या कोमोर्बिडिटीज जिनको है, उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी करे ताकि उनको बचा ले आप पर्सनली. और दूसरी बात जो है, जो स्प्रेड कर सकता है, जो वेक्टर्स है जिनको आप वेक्टर्स कहते हैं, उनको कैसे करिए. आइडियली वी शुड गो फॉर 100% यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, पर क्योंकि वैक्सीन है नहीं, हम कुछ भी बोल दे अभी जो मर्जी करना है करे. मैं भी रजिस्टर करके बैठा हूँ, काफी लंबे टाइम हो गया, अभी तक कहीं वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है. तो इन दिस कंडीशन वी शुड बी फोकसिंग ऑन वेक्टर्स एंड वल्नरेबल. अगर इन पे अगर हम करें तो पैंडेमिक मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो स्प्रेडिंग वाला पार्ट है उसको हम कंट्रोल पे कर. दूसरी बात, अगर लॉकडाउन कोई भी स्टेट कर रहा है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि वो टारगेट रखे कि ठीक है, मैं मई 30 यू नो एंड तक मैं इस लॉकडाउन के लिए जा रहा हूं, पर तब तक मैं हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 वेंटिलेटर वाले बेड लगाऊंगा, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या इतना ऑक्सीजन वाले बेड लगाऊंगा. एक टारगेट खुद सेट करे और जनता को बोले कि हम आपको, क्योंकि लॉकडाउन में जाने का मतलब है कि कई सारे लोग भूखे भी रह रहे हैं, तो जनता से अगर हम वो दिन उधार ले रहे हैं सरकार, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि हम इस महीने में क्या क्या करने वाले हैं, और उसके बाद उस महीने के अंत में बोले कि हाँ हमने ये कर लिया, या यहाँ पे इतना कमी रहेगी, तो जनता को भी समझ में आएगा, हाँ भाई हमने 2 रोटी कम खाए हर दिन, कम से कम इसके लिए था. अभी लॉकडाउन है, बस लॉकडाउन है, सरकार क्या कर रहे है इस दौरान, जो जो हो सकता है वो करेगा, नहीं हो सकता नहीं करेगा, ना कोई टारगेट है ना कोई हम उसको मेजर कर पा रहे. ये सेम गलती पिछले बार भी हुआ था, और तब भी मैंने यही लिखा था कि हमने 500 बेड लगाए आके एंड में बोलने से कोई मतलब नहीं है, हमने 5000 बेड का टारगेट रखा था और 500 बेड लगाए, तब हमें समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली हमारा लॉकडाउन का इकोनॉमी का जितना नुकसान है, लोगों की लाइवलीहुड का नुकसान है, उसके अनुपात सरकार ने काम किया है कि नहीं. हर एक दिन जनता से ले रहे हैं, सरकार जनता के हर एक एक दिन ले रहे हैं, एंड वो अकाउंटेबिलिटी सरकार को दिखाना चाहिए. वैक्सीनेशन में भी सबसे पहले मैं यही है कि दूसरी एक बात आती है, हम ये 4000 डेथ की बात करें वो गलत है, क्योंकि जो जो गुजरात की आपने दिव्य भास्कर का खबर पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वही 71 दिन में पिछले साल करीबन 55,000 डेथ रजिस्टर हुए थे, इसी साल उसी दौरान जो मार्च को लेकर मई 10 तक का जो फिगर है, 1,20,000 के ऊपर डेथ रजिस्टर हुए, मतलब ऑलमोस्ट डबल. और वहां के ऑफिशियल कोविड डेथ अगर देखेंगे गुजरात में, वो 4000 समथिंग है इस दौरान. तो 4000 ऑफिशियल डेथ फिगर है, जो रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं वो करीबन 65,000 ज्यादा है पिछले साल के मुताबिक. तो एडिशनल डेथ हुए हैं 65,000 एडिशनल डेथ हुए हैं, 4000 से 65,000 का जंप, मतलब 15 times का जंप है. ये क्यों जरूरी है सच बताना, क्योंकि ना अगर सच नहीं बताएंगे तो लोगों को लगेगा यार बहुत
ना आपको 4,000 ही लगता है तो सही है ना, तो इतना ज्यादा रिस्क तो है नहीं। आज भी हम सरकार ये कह रहे हैं कि हमारी डेथ रेट सबसे कम है बाकी देशों से, क्या बताना चाह रहे हैं कि सीवियरिटी कम है, जो कि गलत कम्युनिकेशन है। इससे आपको वैक्सीन हेसिटेंसी भी आएगा, जब एक कहानी किसी वैक्सीनेशन लेके किसी का डेथ का आता है और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि इसका सिर्फ डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है इस डिसीज से, तो आप सिवियरिटी कम कर रहे हो और वैक्सीन का टेंशन बढ़ा रहे हो और वैक्सीनेशन हेजिटेंसी भी कर रहे हो। सच्चाई जनता को बताना जरूरी है तब, और वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का जो है वो सप्लाई लगाना जरूरी है। टिल देन फोकस ऑन वेक्टर्स एंड वल्नरेबल्स, यही मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वेरी लॉन्ग टाइम दैट यू गेव मी। आनंद, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन ब्रीफ क्वेश्चन। कन्नन जी, एक छोटा सा सवाल ये, अभी पहले बड़ी मुंबई की बुराई हुई कि मिसमैनेजमेंट है और अब तारीफ हो रही है कि उन्होंने अच्छा कंट्रोल किया, इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें। नहीं देखिए, मैं जो नंबर ऑफ केसेस है ना उसको लेकर पैनिक क्रिएट करना मैं नहीं समझता हूँ। मैं पिछले बार भी एग्जैक्टली यही चीज लिख रहा था, चाहे वो केरला के बारे में भी लिख रहे थे या मुंबई के बारे में भी था। इश्यू है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है और वहां से कितना ज्यादा डेथ्स आ रहा है। अगर वो दो फिगर एक्यूरेटली रिपोर्ट हो रहा है और वो फिगर एक्चुअली जैसे जैसे सेम पीरियड का है, केरला में 20,000 केसेस आए, 28 डेथ्स थे, सेम डे दिल्ली में भी 20,000 केसेस आए, करीबन 300 प्लस डेथ्स थे, मतलब रिकॉर्डेड डेथ थे, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो केसेस देखोगे तो आप बोलेंगे तो बराबरी है, पर उससे कुछ खास इन्फेक्शन इज नॉट नेसेसरली यू नो लीडिंग टू दैट हॉस्पिटलाइजेशन। अंदर मुंबई का इसमें क्या है, मैं मुंबई में रहता हूँ, आज नहीं अभी अभी मुंबई में नहीं हूँ, पर अदरवाइज आज मुंबई में रहता हूँ, तो केसेस कई सारे हुए और टेस्टिंग भी कई, मतलब उतना ही जो एक्सपोनेंशियली टेस्टिंग किए, और टेस्टिंग करने से क्या है आप उसको आइसोलेट कर पा रहे हो। अगर आप आइसोलेट करते हो तो अगर क्वारंटीन में रखते हो या फिर उनको बता देते हो कि आपको है, तो आपसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन को जो होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। वो सेम इन्फेक्शन मेरे लिए शायद उतना सीरियस नहीं होगा या आपके लिए सीरियस नहीं होगा और मेरे लिए सीरियस हो सकता है। अगर आपको पता है कि हाँ मैं टेस्टेड हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो आप वो प्रिकॉशंस लेंगे। उसके जगह पे हम वो नहीं करते हैं तो देन अगेन इट बिकम्स अ थिंग। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट द वे मुंबई डिड, बिकॉज इट वेंट अहेड एंड टेस्टेड, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नंबर्स। उन्होंने वो नंबर पे वो नहीं किया कि नहीं 40,000 हो गया, हमें 40,000 नहीं दिखाना चाहिए महाराष्ट्र का, या 10,000 हो गया ये नहीं दिखाना चाहिए, हमें कम दिखाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी। आपको क्या है, आप लोगों को बचाना है, आपको जनता को स्वास्थ्य रखना है ना। हमारे जो नंबर है आंकड़े इतना नहीं हुआ, जो जैसे गुजरात की बात कह रहे हैं कि 60,000 लोग एडिशनल मर गए, उनके लिए वो 4,000 का आंकड़ा क्या है, जो मरे उनके परिवार के लिए क्या बता रहे हो आप, किसको बेवकूफ बना रहे। आप सच्चाई जब तक जनता को नहीं बताएंगे और उससे डरेंगे कि हमारा इमेज क्या होगा, तब आप प्रॉब्लम को टैकल ही नहीं कर पाएंगे। आप बता दीजिए, उसके बाद यू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल। दैट वे मुंबई डिड वेल, बट सी दीज वेव्स वुड कीप कमिंग। ये समझना कि वापस फिर से हो गया, अभी वावाई हो गया। आई एम श्योर दैट द कमिश्नर हैज आल्सो डन, मतलब आई वाज लिसनिंग टू उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, काफी एक्सटेंसिव स्टडी करके उन्होंने बताया कि क्या क्या आगे भी कर रहे हैं, अभी केस बढ़ गया तो आगे भी क्या करेंगे करके। तो एनकरेज टेस्टिंग, और ये भी गलत, जैसे रूरल यूपी का, रूरल हरियाणा का एक खबर आ रहे थे, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर रहे क्योंकि डेड बॉडीज के साथ, वो बोल रहे हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव है और डेड बॉडीज आए तो उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसलिए हम टेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, हम जैसे मर्जी हो, हम क्योंकि लोगों को भी लगता है कि अपना कम से कम मरने पे तो इज्जत रेस्पेक्टफुली हम उसको कर पाए। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्ले, और इसीलिए कम्युनिकेशन जितना ज्यादा सरकार के तरफ से कॉम्प्रहेंसिवली हो सकता है, क्योंकि हर बंदा रैशनली सोचता है, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है कि मैं जिनको होना है वो तो हो ही रहा है और उसके बाद कोई दवाई भी नहीं है, ना अस्पताल जा सकते हैं, वहां पे दिक्कत है, और उसके बाद मर ही रहे हैं, तो कम से कम यहाँ तक तो मैं रेस्पेक्टफुली उनको दे सकता हूँ। अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो भी नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे अराउंड कम्युनिकेशन वैसे हो गया। तो वी हैव टू बी क्लियर, और लाठी से नहीं कंट्रोल कर सकते। जो एक चीज है ना, ये स्पेशली यूपी की अगर मैं बात करूँ, हर एक मुद्दे पे उनको लगता है कि लाठी सोल्यूशन है, आईपीसी सोल्यूशन है, एससीआरपीसी सोल्यूशन है ना, जो भी बात, ऑक्सीजन कम है अंदर डाल दूंगा, है ना, बाहर निकला लाठी मार दूंगा, तुमने डेड बॉडी जो वहां पे दफन किया तुमको जेल भेज दूंगा, तो सब मतलब सबको यही है कि जेल भेज दो, सबको अंदर कर दो, है ना, या फिर केस कर दो। ये क्या मतलब,
क्या मतलब है? आप गवर्नेंस जो है लाठी के बल पे नहीं कर सकते। आप अगर कोई कॉलोनी है आपका तो आप लाठी से कर सकते हैं, आप नहीं जनता के ऊपर आप लाठी के बल पे नहीं कर सकते। कोविड को ना वायरस समझता है उस भाषा को, और जनता भी नहीं वो ज्यादा ज्यादा टाइम तक उसको बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट यही है कि ऑनेस्टली अगर आप करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस को लेकर हमें इतना एक्चुअली दिस इज आल्सो रॉन्ग। मुंबई को इतना ज्यादा हाइप करने का एक रीजन पॉलिटिकल भी था, देखिए मुंबई केसेस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बताने का कि किसी और का सरकार है इसलिए वो ज्यादा केसेस से नहीं है प्रॉब्लम। केसेस अगर है तो उसको रिफ्लेक्ट होना है, केसेस कम हुए तो वो भी रिफ्लेक्ट होना है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम टैकल नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज वी शुड बी ऑनेस्ट आवरसेल्फ, अपने से तो सच्चाई बोले तभी तो हम ठीक कर पाएंगे।